जितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन. वीडियो ऑन करिए सारे प्लीज. ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन. दारा माँ वीडियो ऑन करिए. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन और होल्ड. ब्रेथ चलती रहेगी, श्वास को नहीं रोकना है. मैक्सिमम स्ट्रेच और होल्ड. पूरी बॉडी ऊपर खींचो, होल्ड करके रखो. ब्रेथ चलती रहेगी, श्वास लेते रहना. पूरा ध्यान सांसों पे. पूरी बॉडी स्ट्रेच. लास्ट 5 सेकेंड खींच के रखो ऊपर जितना खींच सकते हो. 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स. पूरा ध्यान सांसों पे. दोनों हाथों को इस तरीके से मुट्ठी बांध. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. पूरा ध्यान सांसों पे, फुल एनर्जी, पूरा ऊपर तक लेके जाओ. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ. पूरा ध्यान सांसों पे, बिल्कुल ऊपर तक. थोड़ा फास्ट ब्रेथ को भी, श्वास को भी थोड़ा सा तेज. नो से डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल. डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल. फास्ट ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. फास्ट और फास्ट. पूरा ध्यान सांसों पे. फास्ट 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 फास्ट. लास्ट 10 सेकेंड फास्ट, जितना फास्ट कर सकते हो. 10 फास्ट, जितना फास्ट कर सकते हो. 9 करते रहो, रुकना नहीं है. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स. पूरा ध्यान सांसों पे. बस एक सेकेंड. पूरा ध्यान सांसों पे. मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? दोनों हाथों को रखो कमर पे. पूरा ध्यान सांसों पे और ही. वैसे होगा नहीं इन केस के लिए. अगर ये 1% क्लास एंड हो जाती है अपने आप, तो लिंक पे एकदम से व्हाट्सएप पे जाके दोबारा ज्वाइन करना, मैं भेजूंगी. ठीक है, दूसरे से वैसे होगी नहीं. इन केस हो जाए तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना. दोनों हाथ कमर पे. पूरा हर बार स्टमक दबेगा ये. पूरा ध्यान सांसों पे करते रहो, रुकना नहीं है. पूरा ध्यान सांसों पे. नो से इनहेल, नो से एक्सहेल. घुटने को जितना हो सके स्टमक तक लेके आओ. ये पूरा ध्यान सांसों पे करते रहो, रुकना नहीं है. नीचे झटके से पटको मत, पैरों में बाद में दर्द आएगा नहीं तो. ऊपर जल्दी से लेके आओ. श्रेया मैम नीचे आप बहुत तेज पटक रहे हो, बाद में पैरों में दर्द आएगा. ठीक है, जब आप ऊपर फोर्स लेके नीचे आराम से. हाँ ऊपर फोर्स ही है. जब पैर नीचे रखो तो मैट से आवाज नहीं आनी चाहिए. लास्ट 10 सेकेंड पूरी एनर्जी. 10 रुकना नहीं. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स. दोनों पैरों में क्या है, दोनों हाथों को एल्बो सीधे रखना. ठीक है, जब पीछे रहेगी तो भी ऐसे मत करना, बस 30 सेकेंड के लिए. ठीक है, हाथों को इस तरीके से पूरी हथेली एक दूसरे से मिलनी चाहिए, आगे भी पीछे भी.
पीछे रहेंगे, एल्बो को यूं मत करना, एल्बो पूरी खुली रहेगी, अपर बैक का पूरा फैट इससे जाएगा, शोल्डर हेल्दी रहेंगे, साइड में जो फैट होता है वो जाएगा, आर्म्स का फैट खत्म होगा, चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेस्ट के लिए पूरा ध्यान सांसों पे, फेस अप, ब्रीथ पे फोकस, करते रहो, रुकना नहीं है, पूरा कोशिश करो किसी भी पूरा हाथ मिला देंगे, लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, दोनों पैरों में क्या है पूरा ध्यान सांसों पे, अभी देखो साइड पे अच्छे से स्ट्रेच आना चाहिए, शोल्डर एक लेवल पे रहेंगे, ठीक है, सबसे पहले राइट साइड, राइट साइड वाले हाथ को रखो लेफ्ट साइड इस तरीके से, हाथ ऊपर और होल्ड, पूरा ध्यान सांसों पे, घुटने सीधे, ऊपर सीलिंग देखनी है, 10, 9, ऊपर सीलिंग देखो, शोल्डर एक लेवल पर है, ये 8, 7, जितना हो सके नीचे आओ, घुटने सीधे, साइड में पूरा स्ट्रेच आना चाहिए, लास्ट 5, 5, चलो चलो सारे चलो, बीच में नहीं आना बिल्कुल भी, 4, बीच में कोई वापस नहीं आएगा, 3, 2, 1, साइड चेंज, पूरा ध्यान सांसों पे, बीच में बिल्कुल भी वापस नहीं आना है, दोनों पैरों में क्या, घुटने टाइट हाई टाइट, घुटने सीधे बिल्कुल, 10, 9, धारा वाम घुटने, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स पूरा ध्यान सांसों पे, नो से इनहेल नो से एक्सहेल, दोनों फिंगर इंटरलॉक, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करो, दोनों फिंगर इंटरलॉक, दोनों पैरों में गैप कितना, शोल्डर लेवल से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, दोनों फिंगर इंटरलॉक, हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच जितना कर सकते हो, और ध्यान रहे घुटने बिल्कुल भी मत मोड़ना, थाई को टाइट रखना जिससे बैलेंस ना बिगड़े, ठीक है, ये दोनों फिंगर इंटरलॉक, स्ट्रेच जितना ऊपर कर सकते हो, सबसे पहले राइट साइड और होल्ड, और बॉडी जब आगे आए ना तो उसको पीछे एक लाइन में लाना, ये और ऊपर सीलिंग देखनी है, पीछे नीचे वाला शोल्डर अगर पीछे जाता है तो उसको आगे लेके आना एक लाइन में, ध्यान से देखो हाथों को स्ट्रेच, नीचे आना है, और अगर बॉडी आगे जाती है तो पीछे लेके आना है, ठीक है, ये होल्ड, 10, 9, आ जाओ बीच में वापस नहीं आना है, और स्ट्रेच करते हुए कि बीच में, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, साइड चेंज, मैक्सिमम स्ट्रेच, पूरा ध्यान सांसों पे, साइड चेंज, हाँ, और शोल्डर एक लाइन में होनी चाहिए, बॉडी आगे नहीं जाए, पूरा ध्यान सांसों पे, होल्ड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, मैक्सिमम स्ट्रेच, 2, 1, धीरे से सेंटर में पूरा ध्यान सांसों पे, और धीरे धीरे वॉक करते हुए मुझे देखो, रुकना नहीं है, नो से इनहेल नो से एक्सहेल, धीरे धीरे वॉक करते हुए मुझे देखो, दोनों पैरों में कम से कम 3 फीट का गैप, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना घुटने सीधे रहने चाहिए, बाकी करेक्ट कराने के लिए मैं हूँ, घुटने सीधे रहने चाहिए, दोनों हाथों को रखो कमर पे, एल्बो पीछे की तरफ, ठीक है, और सबसे पहले राइट साइड, तो राइट साइड वाले पैर का पंजा ये बाहर, और अपर बॉडी भी राइट साइड ट्विस्ट करनी है, ठीक है, ऐसे थोड़ी सी नहीं, पूरी कोशिश लगाइए, ठीक है, और फेस अप, सबको चिन अप करके रखनी है, और होल्ड, ठीक है, पूरा पैर स्ट्रेच होगा, ये घुटना जरा सा भी बैंड मत करना, जरा सा भी ये अगर बैंड किया तो आसन बिल्कुल खराब हो जाएगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, जो स्ट्रेच आना चाहिए वो नहीं आएगा,
पूरा ख्याल सांस पे। यहाँ पे 10 ब्रेथ होल्ड करना है, मैं 10 काउंट करूंगी, आप 10 ब्रेथ होल्ड करना, फिर धीरे से वापस जैसे गए थे वैसे ही, झटके से नहीं, साइड चेंज, लेफ्ट वाला पैर से बाहर, बॉडी पूरी लेफ्ट साइड मूव और चिन अप डाउन, ठीक है। हाथों को जितना हो सके पीछे की तरफ, जिससे चेस्ट पूरी स्पेंड रहे, शोल्डर पीछे की तरफ रहे, ठीक है। 90 डिग्री पे होल्ड, पूरा ध्यान सांसों पे। चलो आ जाओ, दोनों पैरों में क्या कोई डाउट हो अनम्यूट करके तुरंत पूछना, और घुटने सीधे रखना, पूरा ध्यान सांसों पे, 10 ब्रीथ काउंट करो, पूरा ध्यान सांसों पे। जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं प्लीज शेयर, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से क्लास कर रहे हो, क्लास कैसी लग रही है, और रोज करना चाहते हो कि नहीं। और जिन्होंने फॉलो नहीं किया है प्लीज फॉलो, जिससे जैसे ही मैं लाइव आऊं या कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं, मैं कहीं भी हूं, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। चलो 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 बलकिश्मा, घुटना घुटना घुटना, श्रिया मैम, सारिका मैम घुटना, बलकिश्मा मैम घुटना, घुटने पे मेन सब ध्यान रखो अपना, घुटना सीधा रहना चाहिए। प्रतिभा मैम बहुत अच्छा, लेकिन नीचे आओ, नीचे डाउन, नीचे नीचे नीचे, फेस ऊपर करके जितना स्ट्रेच आएगा उतना अच्छा है, अपना 100% दोष। सारिका मैम बीच में वापस मत आओ प्लीज, 10 ब्रीथ हो गया तो साइड चेंज, 10 ब्रीथ हो गया तो साइड चेंज, मैम दोनों साइड हो गए, दोनों साइड हो गया, एक बार और रिपीट करना है, एक बार और रिपीट, ठीक है। 10 ब्रीथ, और ब्रेथ जो लोगे ना, श्वास जो लोगे बिल्कुल रिलैक्स वाली, जल्दी जल्दी नहीं। और धारा मैम घुटना बैंड हो रहा है, प्लीज घुटने पे ध्यान दो सारे, घुटना नहीं बैंड होना चाहिए बिल्कुल भी। पूरा ध्यान सांसों पे करते रहो, रुकना नहीं है बिल्कुल, पूरा ध्यान सांसों पे। जब हो जाए साइड चेंज, दो दो बार करना है, एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, फिर एक बार राइट साइड, फिर एक बार लेफ्ट साइड, और जिसका हो जाए धीरे धीरे वॉक, खड़े नहीं रहना, पूरा ध्यान सांसों पे, रुकना नहीं है। चलो जिसका हो जाए धीरे धीरे वॉक, जिसका हो जाए धीरे धीरे वॉक, एक बार दो दो बार करना है, एक बार राइट लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, पूरा ध्यान सांसों पे, जितना नीचे आ सकते हो नीचे तक जाओ पूरा। चलो जब हो जाए धीरे धीरे वॉक इस तरीके से, जब हो जाए धीरे धीरे वॉक, धीरे और मुझे देखते रहो, ठीक है, कंप्लीट करो, कंपनी बीच में भी मत आना, जब हो जाए धीरे धीरे वॉक। अभी नेक्स्ट क्या करना है, वॉक करते करते देखो, दोनों पैरों में क्या, पूरा ध्यान सांसों पे, दोनों हाथों को रखो कमर पे, और हर बार हाथ चेंज होगा जितना पीछे जा सकते हो, ठीक है। लोअर बैक में पूरा स्ट्रेच आना चाहिए, और जब आगे आओ बॉडी को आगे खींचते हुए, एक तो होता है देखो, एक आगे ही आगे, ठीक है, इसमें स्ट्रेच नहीं आया, एक होता है पूरा स्ट्रेच करते हुए आए बॉडी को आगे खींचते हुए, ठीक है, ये पूरा स्ट्रेच हुआ, ठीक है। अभी क्या करना है, जो हाथ ऊपर होगा, ठीक है, हर बार हाथ चेंज होगा, जो हाथ ऊपर होगा उसका ये इस तरीके से लगा के रखना है, ऊपर नीचे नहीं, ठीक है, जब भी इतना बॉडी मूव होगी हाथ साथ में चलेगा, एक बार साइड से देखो, ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, साइड चेंज, कान से लगा के रखना है हाथ को, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, साइड चेंज, मैक्सिमम पीछे, और ये वाला जो हाथ है ये अंगूठा पीछे रहेगा इस तरीके से, देखो एक बार यहां से ये अंगूठा पीछे रहेगा, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, साइड चेंज, बैक को लोअर बैक को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए जब आप पीछे जाओ हाथ से। चलो स्टार्ट करो, और हर बार हाथ चेंज, जब नीचे आओ चिन अप करके रखना, बॉडी को मैक्सिमम स्ट्रेच दो जितना दे सकते हो,